वाली हूँ एंड इन एक्सरसाइजेस के लिए आपको ना ही जंप करने की जरूरत है, ना ही किसी भी तरीके का इक्विपमेंट की जरूरत है एंड इन एक्सरसाइजेस के लिए ना ही आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत है। एंड आज जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, इन एक्सरसाइजेस को करने से जो आपके इनर थाइस का एक्स्ट्रा फैट है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, साथ के साथ आपके आउटर थाई का भी एक्स्ट्रा फैट खत्म हो जाएगा एंड आपके हिप्स की एकदम परफेक्ट शेप आ जाएगी। एंड इन एक्सरसाइजेस को करने से साथ के साथ आपके पूरी बॉडी यानी कि फुल बॉडी को भी मेंटेन करेगा एंड फिट रखेगा। आपको बस इतना करना है जैसा मैं कर रही हूँ, सेम मुझे फॉलो करना है, गलत एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको मेरे इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर 14 डेज तक फॉलो करना है। इन एक्सरसाइजेस का रिजल्ट भी आपको 14 डेज के अंदर ही दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इनर एंड आउटर थाई का एक्स्ट्रा फैट कभी वापस ना आए तो आपको मेरी इन एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में ऐड करना है, वन डे भी मिस नहीं करना है एंड इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करना है। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हैं, इस वीडियो के फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, देन अपने दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके डाउन साइड जाना है, देन अप साइड आके हमें अपने राइट लेग को बैक साइड अप साइड उठाना है, अगेन डाउन सेम लेफ्ट को करना है, इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, देन अपने दोनों लेग्स के नी को बेंड करके डाउन साइड जाना है, देन हमें फ्रंट साइड पंच करना है, 4 टाइम करना है, देन अप साइड आके सेम पंच करना है, अगेन डाउन, इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके फ्लो पर रखना है, देन अपने दोनों लेग को हमें स्ट्रेट करके रखना है। फर्स्ट हमें अपने लेफ्ट हैंड को अपसाइड उठाना है और अपनी बॉडी को हमें राइट साइड टर्न करना है, सेम बैक साइड टर्न करना है, इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके फ्लो पर रखना है, देन अपने दोनों लेग को भी हमें स्ट्रेट करना है। फर्स्ट अपने राइट लेग के नी को बेंड करके इनसाइड लेके आना है, सेम लेफ्ट को करना है। राइट लेग के नी को बेंड करके हमें फ्लो पर रख के अपने लेफ्ट लेग को हमें अपसाइड उठाना है, अगेन सेम करते हैं, लेफ्ट साइड हमें 15 के 4 सेट्स करने हैं। सेम हमें अपने सेकंड साइड करना है। फर्स्ट लेफ्ट लेग के नी को बेंड करना है, देन राइट, देन लेफ्ट को हमें डाउन करके राइट लेग को अपसाइड उठाना है।
इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करके फ्लोर पर रखना है, देन अपने दोनों लेग को ज्वाइन करके हमें स्ट्रेट करके रखना है। फर्स्ट हमें पुशअप करके अपनी बॉडी को डाउन साइड लेके जाना है, देन अपने दोनों हैंड्स को हमें फ्रंट साइड स्ट्रेट करना है, देन वापस लेके आना है, देन अपनी बॉडी को अप साइड उठाना है। अगेन से इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके अप तक उठाना है, देन फर्स्ट हमें अपने राइट लेग को ओपन करना है, सेम लेफ्ट को करना है। हमें अपने दोनों लेग्स को अप साइड ही उठा के रखना है, डाउन नहीं करना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके रखना है, अपने दोनों हैंड्स को हमें स्वीप करके रखना है। फर्स्ट हमें अपनी हिप को अप तक उठा के अपने लेफ्ट हैंड से राइट लेग के नीचे को टच करना है, देन इसमें हमें अपने लेग को अप तक उठाना है, सेम सेकंड साइड करना है। इसको 15 के 4 सेट्स करने। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने राइट हैंड की एल्बो को बेंड करके रखना है, देन अपने राइट लेग के नीचे को बेंड करके फ्लोर पर रखना है। फर्स्ट हमें अपने लेफ्ट लेग को यूज करना है एंड अपने लेफ्ट हैंड को यूज करना है। अपने हिप्स को हमें अप साइड उठा के फर्स्ट हमें अपने लेफ्ट हैंड की एल्बो से राइट लेग के नीचे को लेफ्ट लेग के नीचे को टच करना है। लेफ्ट साइड हमें 15 के 2 सेट्स करने। सेम हमें अपने सेकंड साइड करना है, यानी कि राइट लेग को यूज करना है, यानी कि एल्बो को बेंड करके रखना है। राइट साइड में 15 के 2 सेट्स करने। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मैट पे लेटना है, देन अपने दोनों लेग को हमें स्ट्रेट करके रखना है। फर्स्ट अपनी अपर बॉडी को अप साइड उठा के दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करके अपने राइट लेग को अप साइड उठाना है, देन लेफ्ट हैंड से टच करना है। अगेन सेम डाउन, अगेन से अप साइड उठा के उसके हमें सेकेंड लेग को टच करना है। इसको 15 के सेट्स करने।
हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी अपर बॉडी को अच्छा उठा के फर्स्ट हमें अपने राइट लेग के नी को बेंड करके अच्छा उठाना है। सेम लेफ्ट को करना है। इसमें भी अपने दोनों लेग्स को हमें अच्छा उठा के रखना है, फ्लो पर नहीं रखना है। इसमें 15 के स्ट्रेच करने हैं। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस आज जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाले किसी भी वीडियो में जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हमेशा फिट एंड मेंटेन रहे तो आप मेरी इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करना ना भूलें। एंड आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि न्यू एक्सरसाइजेस के साथ मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।